दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी आईडी लॉगिन करने के लिए जाती हो तो गाइस यहाँ पर आपको एक एरर शो होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो पेज इज नॉट अवेलेबल एट मोमेंट, कुछ तरह का मैसेज शो होता है और गाइस रिफ्रेश मिलता है तो गाइस वही पेज बार बार लोडिंग होता रहता है। तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम शो हो रहा है तो आप कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स आउट कर सकती हो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो गाइस एक छोटा सा वीडियो रहने वाला है, आपके भी इंस्टाग्राम पर कुछ टाइप का प्रॉब्लम शो हो रहा है तो आप इसको कैसे फिक्स आउट कर सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और गाइस जानते हैं कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स आउट कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे कि फिर से यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम पर जाता हूँ तो देख सकते हो वही पेज है और गाइस यहाँ पर मैं बार बार रिफ्रेश कर रहा हूँ फिर गाइस वही प्रॉब्लम शो हो रहा है, पेज इज़ नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट कुछ टाइप का। तो आपको क्या करना है, जैसे कि इनको सारे को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद सिंपल सा अपना सेटिंग पर जाना होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं सेटिंग पर जाता हूँ। सेटिंग पर जाने के बाद सेटिंग ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह अपना फ़ोन का। तो थोड़ा नीचे जाना है, यहाँ पर आपको ऐप्स का सेटिंग दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर मैनेज ऐप लिस्ट कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको कोई भी ऐप्स का सेटिंग दिखाई नहीं दे रहा है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर सर्च कर देना ऐप्स कुछ इस तरह। तो आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे ऐप्स का सेटिंग दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका डायरेक्टली जितने भी फ़ोन पर एप्लीकेशन है आ जाएगा, फिर भी गाइस नहीं आता है तो आप ऐप मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा नीचे आपको इंस्टाग्राम मिल जाएगा तो आप यहाँ पर इंस्टाग्राम को पता कर सकते हो, देख सकते हो। आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम नहीं मिलता है तो गाइस आप यहाँ पर सर्च कर देना इंस्टाग्राम, तो देख सकते हो यहाँ पर इंस्टाग्राम कुछ तरह निकल के आ जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे आपको यहाँ पर स्टोरेज मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना और गाइस यहाँ पर आपको क्लियर डाटा क्लियर कैचेस मिलेगा तो आपको ओनली क्लियर कैचेस करना है। और आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको परमिशन मिलेगा तो गाइस सारा परमिशन को आपको अलाउ करना है। यहाँ पर आपका जितना भी परमिशन नॉट अलाउ में फ़ोन हो गया तो गाइस आपको कुछ डोंट अलाउ में हो तो गाइस आप अलाउ करना सबसे पहले। उसके बाद आपको क्या करना है, सारा परमिशन को अलाउ करते जाना है यहाँ पर जितने भी है। उसके बाद आपको इसको क्लोज करना है और उसके बाद आपको आता है अपना इंटरनेट ठीक करने का। तो गाइस यहाँ पर आप जो भी मोबाइल डाटा हॉटस्पॉट जो भी यूज़ करते हो तो गाइस अच्छे से कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर मैं मोबाइल डाटा यूज़ करता हूँ, मेरा डाटा ऑन है, मैंने अभी अभी ऑन किया हुआ है। लेकिन आपके यहाँ पर कोई भी हॉटस्पॉट आप यूज़ करते हो तो गाइस अच्छे से कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद हो सके तो गाइस प्ले स्टोर पर जाके अपना इंस्टाग्राम को यहाँ पर अपडेट कर देना है। इंस्टाग्राम पर कुछ अपडेट आया होगा, मेरा ऑलरेडी आया हुआ था, मैंने कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम को ओपन करता हूँ और गाइस यहाँ पर मैं कोई भी आईडी लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ तो गाइस यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर मैं वही पेज पर आ चुका हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं लॉगिन इन टू अदर अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्टली यहाँ पर मेरे को यूजर नेम एंड पासवर्ड का ऑप्शन आ चुका है। तो गाइस यहाँ पर मैं यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के यहाँ पर मैं कोई भी आईडी को लॉगिन कर सकता हूँ। लेकिन आपके साथ भी प्रॉब्लम शो हो रहा है तो आपको क्या करना है, जो भी आपका इंटरनेट है वो अच्छे से कनेक्ट होना चाहिए, हॉटस्पॉट इंटरनेट जो भी है उसके कारण ये प्रॉब्लम शो होता है। तो गाइस चलो आज के वीडियो में कुछ इतना ही, फिर एक नया वीडियो मिलता है, तब तक के लिए बाय।